कोरोना संकट के दौरान मंदिरों के खुलने का सभी को बेसब्री से इंतजार है। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध के कपाट भी 10 सितंबर को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जाएंगे। करीब 6 महीनों बाद बाबा बालकनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे और जिला प्रशासन ने मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था कर ली है। फिलहाल 500 श्रद्धालु ही मंदिर में बाबा के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही मंदिर में कोरोना महामारी के बचाव के लिए भी पूरी तरह से तैयारी की गई है और भक्तों को मंदिर में बाबा के दर्शन करने के लिए स्थान तय किया गया है और केवल 15 मिनट ही एक श्रद्धालु मंदिर के अंदर रह सकेगा। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध ट्रस्ट के चेयरमैन एवं डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार की एसओपी के अनुसार ही मंदिर में काम किया जाएगा। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध ट्रस्ट के चेयरमैन एवं डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बताया कि मंदिर में दोपहर के समय में 12:30 से 1:30 बजे तक मंदिर को सैनिटाइजेशन के लिए बंद किया जाएगा और शाम को भी मंदिर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। इसमें जो एसओपी है इसमें इस तरह से है कि जो भी बाहर से जो लोकल लोग तो विदाउट रजिस्ट्रेशन मूवमेंट अलाउड ही हैं स्टेट में, लेकिन जो भी लोग बाहर से आएंगे उनका इंटर स्टेट जो हमारे पास ऑलरेडी COVID-19 ई पास बन रहे हैं वहाँ इंटर स्टेट का एक ऑप्शन है, वहाँ टूरिज्म वाला उन्होंने सबसे जो ऑप्शन दिया है रिलीजन टूरिज्म, वहाँ उनको रजिस्ट्रेशन के लिए हमने ऑप्शन रखा है। और उसमें अभी आईटी डिपार्टमेंट के साथ हम वर्क कर रहे हैं कि किस तरह से फंक्शनल है, बट जो नंबर ऑफ जो विजिटर्स हैं वो हम लोग रेस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे शुरू में किस तरह से रेस्पॉन्स है, तो 500 से स्टार्ट करके जिस तरह से है, क्योंकि इसको हमने खोलने का सोचा है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, तो उसी तरीके से जो शुरू में हम लोग 500 का ऑप्शन रखा है, उसके बाद किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज रह पाती है, किस तरह से लोगों का रेस्पॉन्स है उसको देख के हम लोग इसको वेरी करेंगे। तो अभी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और क्योंकि इंटर स्टेट में ऑलरेडी हिमाचल में रजिस्ट्रेशन का भी है, तो उसी कंटिन्यूटी में जो एसओपी जारी किया है उसमें हमने ये प्रोविजंस रखे हैं। और जो 6 से 7 का जो टाइम है इनमें इसमें इन बिटवीन बीच में हमने आधा आधा घंटे का मतलब जो 12:30 से 12:30 का ब्रेक रखा है जिसमें सैनिटाइज करना है, फिर रात को शाम को बंद होने के बाद सैनिटाइज करना है। हरिकेश मीणा ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का पूरी तरह से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी जिसके लिए स्वास्थ्य टीम तैनात रहेगी। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा मास्क, सामाजिक दूरी का ख्याल रखना मंदिर में अनिवार्य रहेगा। डीसी ने बताया कि जो 65 साल से अधिक और उन्होंने 96 घंटे पहले अपना टेस्ट करवाया है वे मंदिर में आकर बाबा के दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर में केवल 40 लोगों का जत्था ही अंदर प्रवेश कर पाएगा और केवल गेट नंबर 1 से ही एंट्री हो सकेगी। उन्होंने बताया कि केवल 15 मिनट ही श्रद्धालु मंदिर में रह सकेंगे। और इसमें जो लोग हैं इन कंटिन्यूटी ऑफ एसओपी कि 65 साल से ऊपर वाले ही लोग जो जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, बुखार वगैरह नहीं है और विद इन 4 डेज में उन्होंने टेस्ट करवाया है 96 आवर्स का उनका टेस्ट रिपोर्ट RT-PCR है और ट्रूनेट है या जो जो भी ICMR डिफेंड टेस्ट की उनके पास रिपोर्ट होनी चाहिए तब उनको अलाव हम इस तरह से करेंगे। और जो सारे प्रोविजन हैं जो SOPs हैं जो टूरिस्ट के लिए वो सारे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का, फेस मास्क का और मतलब आपको ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, सारे वो हमने प्रोविजन किए हुए हैं। उसके अलावा अगर कोई आता है टूरिस्ट उसको लगता है बुखार है और सिम्टम्स है तो हमने जो सिद्धांचल होटल या जो सराय नंबर 9 है उसमें सेपरेट रूम रखा है तो देन वी विल आइसोलेट देम टू देयर दिस प्लेस। और उसकी कंटिन्यूटी में जो हमने पिलग्रिमेज का जो एंट्रेंस है वो गेट नंबर 1 से होगा और जो उनमें जो 40-40 की गाड़ियों के ब्लॉक में जो हमारे पास सराय है वहाँ उनको पार्किंग रखी है हमने ऊपर में, तो उस तरह से इसको एंट्री को कंट्रोल किया जाएगा। डीसी हरिकेश मीणा ने बताया कि एसओवी के अनुसार मंदिर के अंदर चढ़ावा और किसी भी प्रकार का प्रसाद देने पर प्रतिबंध रहेगा और स्थानीय दुकानदारों के लिए भी एसओपी तैयार की गई है जिसके अनुसार दुकानदार अपना सामान तैयार कर बेच सकते हैं। पिलग्रिमेज जो जाएंगे अंदर एक पर्टिकुलर टाइम डिफाइंड है उसमें ब्लॉक्स में तो 15 मिनट से ज़्यादा वो वहाँ टोटल उसमें लगाएंगे नहीं, ऐसे कोई
कोई इस तरह से फ्री रोमिंग विल नॉट बी अलाउड, अभी हमने लंगर फिलहाल बंद रखा है। जो गर्भगृह में अलाउ नहीं होगा, मतलब एक अरेंजमेंट किया है उन्होंने किस तरह से गेट नंबर 1 से स्टार्ट होके किस तरह से गेट नंबर 6 से उनको एग्जिट होके एक मंदिर में टेम्पल ऑफिसर के साथ और एसडीएम के साथ हमने मीटिंग की थी और उन्होंने अपने एक पूरा प्रोविजन किया हुआ है। और मतलब किसी चीज़ को जिस तरह से चढ़ावा है या फिजिकल ऑफरिंग्स हैं जिसको बोलते हैं, जो प्रसाद वसाद जिस तरह से, वो थोड़ा सा हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। पुजारियों से भी थोड़ा सा रखेंगे क्या SOP है वो, तो रिलीजन जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल की तरफ से भी SOP आई उसी कंटिन्यूटी में हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा जो शॉप कीपर्स हैं सराउंडिंग में उनके लिए भी हमने SOP जारी किया है, उनको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या क्या मतलब दुकानों पे किस तरह से चीज़ों को करना है, तो वो भी हमने इश्यू किया है।